अजय नीचे बैठ जा अजय पूरा हिला रहा भाई। अरे प्रवीण भाई हट जाओ ना लेके। अजय अजय हट जाना अजय नीचे में आजा थोड़ा नीचे जा बाद बाद आजा एक्सीड एक्सीड मैम वेट 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 मैम वेट 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 stop dancing
till my vidai. Yeah, anything else? Thank you so much. The prince is coming in some time now. Look here. मैम लोग क्या मैम सेंटर अरे पीछे आ जाए पीछे जा लाल लाल अरे पीछे पीछे मुन्ना वेट 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 हो गया हटना हटना अरे ये पीछे वाला कुछ अरे सेंटर अरे यहाँ खड़े लेना भी यहाँ खड़ो ना साइड में खड़ो ना Sorry, come. Go ahead, go ahead. Ma'am, okay, ma'am. Ma'am, okay, ma'am. Madam ji. Okay, look at it. Stop. Hi, guys. Somebody gonna ask us something or they just got to वो दोनों को जब देखती हूँ तो ऐसे लगता है दैट दे आर मेड फॉर ईच अदर तो अगर आपके लुक की बात करें तो इसके तो किस तरह किस स्टाइल की और क्या कुछ मतलब आज इंडियन और इंडो वेस्टर्न है कि ऐसा मैंने कुछ सोच के स्टाइल नहीं किया बट ऑफ कोर्स आई वुड वांट कि मैं थोड़ा फ्रीली सबसे बातचीत भी कर सकूँ और थोड़ा मुझे इंजॉय भी करना है डेफिनेटली सो आई हैव केप्ट इट वेरी सिंपल एंड सटल येट इट्स लुकिंग वेरी नाइस फ्लोई क्लासी फ्रेंड का संगीत है तो आपने भी कोई स्पेशल परफॉर्मेंस प्लान किया है कि क्या हाँ आप बोलोगे करके भी दिखाओ नथिंग आई हैव नॉट डन एनी थिंग और मेरा कुछ ऐसा स्पेशली बट मैं डांस अच्छा कर लेती हूँ ऐसा लोग कहते हैं तो जाके अभी करूँगी थैंक यू सॉरी क्या टिप्स आई डोंट थिंक सो आई हैव टू टेल हर एनी थिंग बिकॉज प्रिंस इज प्रिंस जिस तरह से उसे रखता है जिस तरह से उसे प्यार करता है एकदम गुड़िया की तरह उसे रखता है और युविका ऑल्सो जब उसे देखती है तो सरेंडर कर देती है अपने आप को इतना दैट इज द रीज़न आई सेड देम मेड फॉर ईच अदर कपल Okay guys, let's do this. How are you? Good? Yeah, एक तो सबसे पहले मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ऐसा हो रहा है क्योंकि ये जोड़ी एक रियलिटी शो से बनी है जहाँ से लोगों को लगता है कि हर चीज़ फेक होती है लेकिन दिस इज़ हियर इट इज़ एक रियलिटी शो से शुरू हुई जोड़ी की कहानी आज शादी हो रही है एंड रिसेंटली मैंने और युविका ने एक शो किया था जहाँ पे मुझे युविका को जानने का बहुत मौका मिला शी इज़ अ ब्यूटिफुल पर्सन जितनी खूबसूरत वो दिखती हैं उतनी खूबसूरत इंसान भी हैं और मैंने प्रिंस को जितना जाना है वो उन्हीं के थ्रू जाना है
एंड उस पूरे शूट के दौरान हम एक शादी शूट कर रहे थे. सो जब भी हम कुछ करते थे शी यूज़ टू टेल मी कि यार मेरी शादी भी हो रही है 2 महीने में एंड आई नो दैट शी वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट. सो आई जस्ट वॉन्ट टू विश देम ऑल द बेस्ट. आई नो दे आर गोना लिव दिस लाइफ हैप्पीली एंड टोटली इन लव. सो येस आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर बोथ ऑफ देम. See, I get little literal. I think this is Sangeet, so this is like all tabla and everything. This is a kurta from a designer from a Delhi. From a Delhi designer. What am I saying? So yes, and I really like gold and I like bling. So when I get an opportunity where I can wear it, so why not? See, I am not performing a special performance, but I love dance. Punjabi hoon, dil se jaisi music sunta hoon, ruk nahi paata hoon. So I am just waiting. Main isi mood se aaya hoon ki jabhi bhi mauka milega, ghus jaunga aur sirf dance karunga aur masti karunga. For a change, yes. Matlab main bahut dekh raha hoon. And initially, jaise har Big Boss ka season hota hai, aisa lagta hai ki shayad nahi chalega. लेकिन नाउ इट्स जस्ट पिकिंग अप एंड इट्स डूइंग रियली रियली वेल. एंड कुछ दोस्त इस बार घर में हैं, सृष्टि हैं, बहुत अच्छी दोस्त हैं, केवी बहुत अच्छे दोस्त हैं. एंड अबाउट अनूप जलोटा जी, आई थिंक हैट्स ऑफ टू हिम. कोई भी लड़का मुझे लगता नहीं उनको कुछ गलत आएगा बिकॉज ही इज एन आईकॉन नाउ एंड ही इज एन इंस्पिरेशन. बट येस, बट जो सुना गया था और जैसा लगा था कि होगा बिल्कुल नहीं है. उन्होंने बहुत डिग्निटी से सब वहाँ पर किया है. बहुत चाहे वो एज के हिसाब से बातें करना हो, चाहे वो सबसे सबके साथ रहना हो. सो आई थिंक ही इज़ बीन हैंडलिंग इट रियली रियली वेल. सो आई एम हैप्पी फॉर अनूप जी एंड आई एम बिट जेलस ऑल्सो बिकॉज अनूप जी की 3 शादियाँ और अब जस्ट एंड आई एम स्टिल सिंगल. सो व्हाट्स द पॉइंट. जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर चीज़ के लिए हर एक का अपना एक डिफरेंट ओपिनियन होता है. मेरा ओपिनियन इसमें ये है कि ऑफ कोर्स नॉट इन दिस इंडस्ट्री ओनली, बट हर जगह पे ये सब चीज़ें होती हैं. और आई थिंक आप जब इस चीज़ से गुजर रहे हैं, मतलब एक लड़कियों के मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ही बुरा आप फील करती होंगी, तो आप तुरंत उस चीज़ पे एक्शन लीजिए. जिसने गलत किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए. एंड ऑफ कोर्स एक रास्ता है कानून का, उसको लेने का, डेफिनेटली वो लेना चाहिए. और जिसने गलत किया है उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए. बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि लड़कों के लिए भी एक ये चीज़ होनी चाहिए जहाँ पर उनका पक्ष भी सुना जाए या चीज़ दी जाए. उनको सीधा मीडिया में नाम अनाउंस करके एकदम से उस कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए. सो येस, आई थिंक दोनों तरफ से साइड हैं. और मैं कई बार मानता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि वो जो लड़कियाँ जेन्युइनली जो इस चीज़ से सफ़र कर रही हैं उनको सही मौका नहीं मिलता सामने आने का. और ये और दूसरी तरफ लड़कों को ये मौका नहीं मिलता सफाई देने का. सो वो होना चाहिए. बट डेफिनेटली आई सपोर्ट दिस मी टू थिंग. एंड जिन्होंने भी गलत किया है दे शुड डेफिनेटली डेफिनेटली गेट पनिश्ड फॉर श्योर. थैंक यू वेरी मच. Our season and I wish all of them very good luck. Tell us what performance do you
if they ask me, sure. I'm here to do whatever Prince and Unica are gonna ask me to do. Yeah. Also, actually follow the current trend. The Me Too thing is trending a lot, and every woman is coming out, talking about the agony. What do you have to say about that? I actually have interviews tomorrow at 4 p.m. and I'm gonna be talking about it tomorrow. But all I want to say, it's a great time in India, and I'm really happy that a lot of women are coming and talking about it, because it's something which has been there for so many years, and finally it's time in India that people are talking about it. And it's not only about Bollywood, and I think being a woman, it's very difficult in any kind of industry, and it's great that women are talking about it. Yeah. All right. Thank you so much. Thank you so much. I'm very happy for Yuvika and Prince. I know Yuvika since 12 years, and when she started Zee Cinestars, और जैसे कि Big Boss में जोड़ियाँ attention के लिए और publicity के लिए affairs करती है और बाहर आके अलग-अलग हो जाते हैं और कहीं और शादी करते हैं. I think this is the first jodi which is getting married after Big Boss, and I always tell Yuvika that she did Big Boss because she had to meet Prince. और मैं दोनों के लिए बहुत खुश हूँ और दोनों की शादीशुदा ज़िंदगी के लिए बहुत खुश हूँ. I wish them a very happy married life. I have mixed match it, and it's Marku, my jacket, and I bought this skirt from Bandra. So just ऐसे ही सब mix match कर लिया end में. So that's it. मैं बिग बॉस नहीं देख रही. मैं बिग बॉस कभी भी नहीं देखती, बिकॉज हर साल मेरा होने वाला होता और मेरा नहीं होता. और मैं बिग बॉस नहीं देखती क्योंकि हर साल मैं कंटेस्टेंट में होती हूँ, लास्ट टू में आके रह जाती हूँ, तो मैं गुस्से में बिग बॉस देखती ही नहीं. परफॉर्मेंस तो आई हैवंट लाइक प्रिपेयर्ड एनीथिंग, बट आई एम अ गुड डांसर. आई थिंक ऊपर जाके अपने आप बस ऐसे ही कुछ भी अच्छा डांस कर ही देंगे, रात तक पार्टी होने वाली है. Quite happy about it that they are coming out in open about whatever harassment they have been through, like Tanushree Dutta and Sandhya Mridul has come, and Vinita Jain, I think. So I'm a kind of a woman who's fearless, and I don't care, and people know about it. So I'm very happy कि जो लड़कियाँ जो भी लोग उस वक्त डरते थे, आज की डेट में हिम्मत करके आगे आ रहे हैं ताकि लोग डरे और ऐसी हरकतें और ना. थैंक यू सो मच. गाइस थैंक यू सो मच आपको यहाँ पर आने के लिए. थैंक यू सो मच गाइज, वंस अगेन आप हमारे सेलिब्रेशन में हमारे साथ हैं, एंड ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है, मेरी फैमिली के लिए, यूविका की फैमिली के लिए, और कल हमारी शादी होने वाली है, और आप सब यहाँ पर भी और रिसेप्शन में भी इन्वाइटेड हैं. प्लीज़ गाइज वहाँ पर आएँ और ऐसे ही प्यार बनाए रखें, और हमें आपकी ब्लेसिंग चाहिए. हमारी नई लाइफ शुरू हो रही है, दो फैमिलीज एक हो रही हैं, और आई लव यू एंड थैंक यू. थैंक यू वंस अगेन जी. आज तो हमारे वैसे ही बहुत हंगामे होने वाले हैं डांस के, क्योंकि हम बहुत यू नो भरे हुए हैं अभी डांस के. हमें डांस आ रहा है आज, एक्चुअली हमें एक्चुअली आज डांस आ रहा है, तो
बाकी बहुत सारी परफॉर्मेंस हैं जो कल और रिसेप्शन पे होने वाली हैं, सो वो थोड़े से सरप्राइज हैं. मैंने अभी बिल्कुल नहीं देखा है और मैं एक्साइटेड हूँ एक्चुअली जाने के लिए. मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, बहुत सारे लोग अभी मेरे फैमिली पहुँच चुके हैं, आधी फैमिली यहाँ पर है, तो इतने सारे जब लोग निकलते हैं तो लेट हो जाते हैं, बट लेट बहुत है. आई नो कि वो ब्यूटीफुल लग रही होगी एंड आई एम एक्साइटेड कि मैं जाऊँ. हाँ, ये मेरे दोस्त रोहित वर्मा ने स्टिच किया मेरे लिए आउटफिट, बहुत ही ब्यूटीफुल आउटफिट है. मैंने उसे बताया कि मुझे इंडियन पहनना है, तो कुछ अलग सा, एंड ये कलर मैंने कभी पहना नहीं है इससे पहले, सो मैंने बोला कि इस वाइट कलर की याद में जाकर थोड़ा रात को रंगीन बनाए. जी, कहना चाहेंगे हम पहली जोड़ी एक्चुअली हमारी जो एक्चुअली शादी कर रही है, और बस ऐसी है कि ये लोगों का जो मिथ था कि रियलिटी शोज में रिश्ते नहीं बनते वो दूर हो जाएंगे, और इसके बाद कुछ जोड़ी ऐसे निकले और जिनकी भी शादी होगी. सर कहते हैं कि जितना मेहंदी डार्क होता है उतना प्यार बढ़ता है, तो जरा उसका दिखाना चाहिए. ठीक, मेरे दूसरे आदमी नहीं है, एक ही आदमी है. Yes, किधर हो सब? और मैं प्यार करता हूँ. Thank you so much guys, thank you. Thank you guys, thank you. करी आओ. Short and trousers. It's very basic. No comments. It's the wrong occasion. It's wrong occasion. Let's keep it happy and positive. Party. Any, you have no questions? Center में आ जा. हाँ, center में आ जा. Much better. जब से वो MTV उसे ज्वाइन किया, लेकिन थैंकफुली वी
met Yuvika, spent time with her, and we're very happy that Prince has got such a nice girl. And we are all lucky that our bhabhi is Yuvika, and very excited, and they're so cute together. So we're really excited, and now we're going to party, we're going to dance for the Sangeet. नेचुरली निकलेगा नेचुरली बिकॉज ये हमारे दिल के बहुत करीब और इनके साथ प्रिंस के साथ मैं काफ़ी टाइम स्पेंड करता हूँ एक साल में तो हम लोगों ने काफ़ी कुछ प्लान किया है और सब सरप्राइज होगा होपफुली शॉक नहीं होना चाहिए बट सरप्राइज होगा फॉर यूविका जब यूविका और प्रिंस को नहीं पता था उन दोनों के बारे में तब मुझे पता चल चुका था सो एंड यू नो When Prince was talking about Yuvika, जब उसको खुद बात कर रहा था उसके बारे में तभी हम लोगों को मेरी वाइफ को प्रियंका और मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये लड़की और प्रिंस जिस हिसाब से उसके बारे में बात कर रहा है दे विल एंड अप टुगेदर और सिर्फ ये कुछ टाइम का नहीं है दे विल मैरी ईच अदर उस हिसाब से वो बात कर रहा था सो वी आर वेरी हैप्पी कि हमारी जो विजन थी इट्स ट्रू आज का लुक हमारा तो नॉर्मल है इसका लुक देखो थैंक यू सो मच एक्चुअली आई ऑलवेज वांटेड टू वेयर समथिंग लाइक दिस एंड आई ऑलवेज वांट टू वेयर समथिंग लाइक दिस एंड ड्रेसिंग अप इज द फर्स्ट थिंग व्हेनेवर आई गो सो आई थिंक आई हैव मेड इट नाइस नाउ Surbhi Rana is in Big Boss. Yes. I am not watching the show, but best of luck to her. She somehow survived on roadies. Uski jo personality thi, uski wajah se bahut problems hui. But at the end of the day, Neha ke gang mein thi, and Neha's gang won. So I don't know whether it worked or not, but I just wish her best of luck. Yeah. Aur mujhe logon ne bola ki kafi visportak uski entry thi wapas. So best of luck to her. That's all we can do. We can wish her the best. रोडीज में बेसिकली जब तक आप परफॉर्म करोगे और अगर आपके पास इम्यूनिटी रहेगी तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है एंड उसके ऊपर से यू हैव अ गैंग लीडर जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं हमेशा पर हाँ उनके गैंग के अंदर अगर अनबन हो रही थी बिकॉज ऑफ दैट दैट वी हैव टू बी एबल टू टेल यू बट नॉट रोडीज में ऐसा लोग डर नहीं रहते women who are talking about it people are saying up to you why now I think whatever time a woman can come up and talk we should listen to her we should support her but before you what's happening right now is that a lot of guys are become very defensive instead let a talk happen let people discuss what's going on so that the right thing comes up right sirf ye nahi ki aap bas logo par सो इट्स अ गुड टाइम वी शुड सपोर्ट अगर आपके फ्रेंड सर्कल में आप किसी को जानते हैं और ऐसा हुआ है इफ़ यू कैन इनकरेज देम एंड जस्ट सपोर्ट देम बिकॉज यू नो वेन एवर इट्स हैपन आठ साल दस साल जितने साल पहले भी इट्स ऑलवेज ट्रोमैटिक ऐसा नहीं होता कि अगर फ्रेश हो तो ट्रोमैटिक होता है वेन एवर इट हैपन्स इट्स ट्रोमैटिक सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट पर्सन इज गॉन थ्रू ट्राई टू लिसन टू दैट पर्सन एंड डोंट बी टू हेस्टी अबाउट ट्वीटिंग लाइक एवरीबडी इज लाइक ट्राई टू ट्वीट फर्स्ट बट पहले उस लड़की की कोई बात तो सुन लो बिकॉज दैट्स वॉट दे वॉन्ट टू डू दे वॉन्ट एक्सप्रेस देमसेल्फ दे वॉन्ट पीपल टू लिसन इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं कर दूँ जल्दी से मैं भी बात कर दूँ इसके बाद सो जस्ट दैट एंड होपफुली दीज काइंड ऑफ थिंग्स विल नॉट हैपन टू विमेन आफ्टर मैन अंडरस्टैंड दैट दे कांट डू दिस एनीमोर दैट्स सो के आया हूँ All right, let's go. Thank you.
आई रही होगी यहीं से, ऐसा लग रहा है कि यू नो डांस शुरू किया जाए, मस्ती शुरू की जाए। तो क्या कैसी बॉन्डिंग रही है उनके साथ खेल रही है उसी के सेंटर, एंड कैसी बॉन्डिंग रही है प्रीतिका के साथ उसे लाइक शेयर। वेल युविका इज अ फ्रेंड एंड बॉन्डिंग, मेरी बॉन्डिंग ऑब्वियसली मेरी बॉन्डिंग तो अच्छी है युविका के साथ, या फ्रेंड्स एंड या दैट्स व्हाई आई एम हियर।
बहुत सारे लोगों ने परफॉर्म करना था तो आई थिंक हम लोग परफॉर्मेंस मिस कर चुके हैं, लेकिन अभी वहाँ जाएंगे तो नाचना तो पड़ेगा, पंजाबियों की शादी है, म्यूजिक के साथ तो नाचना तो पड़ेगा। भैया और भाभी की शादी है कल और आज संगीत है, सो यू नो इट्स गोना बी ग्रेट फन, एंड ऐसा बहुत कम मिलता है बॉम्बे में हमें सबको एक साथ आके सेलिब्रेट करने का, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द टाइम्स आई एम जस्ट ओवर हियर टू सेलिब्रेट, एंड थोड़ा कम टाइम मिलता है कि हम स्ट्रेस से थोड़ा दूर जाएँ, यू नो दिस इज लाइक अ फैमिली इंडस्ट्री, बहुत एक छोटी है और हम मिलते हैं बहुत कभी कभी स्पेशली ऐसे ओकेजन में, सो आई एम रियली एक्साइटेड। फॉर लुक ऑफ द डे इट्स लाइक सिंस आई लव फॉर्मल्स, बट when it comes to Indian culture and in Indian weddings, desi se badhiya kuch nahi, so you know I always carry desi, so that's how it is, this is my thing, I'm trying to go for little traditional and Indian, thoda sa modernized bhi hai, so that's my look of the day, that's it. Ma'am na haath tudwa ke baitha hu aur apni taang bhi aajkal because of life I've been really unwell, but definitely main balle balle to kar hi sakta hu, that's what I've been saying, so that's what I'll be doing for sure. सर मैं इतना काम कर रहा हूँ ना, थैंक्स टू बिग बॉस 11 हमें इतने द्वार खोल दिए कि हम इतना काम कर पा रहे हैं कि मैं बिग बॉस 12 देख ही नहीं पा रहा, बट इट्स ओके, लाइक मैं थोड़ा सा बिट्स एंड पीसेस में सुनता रहता हूँ अबाउट बिग बॉस, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे जाते तो थोड़ा सा ट्रेलर्स देखता रहता हूँ कि आज क्या हो रहा है, अनूप जी घर छोड़ के चले गए, शीशान लेफ्ट द हाउस, सो नो वी कीप वॉचिंग ऑल ऑफ दैट, सो या दैट्स bad, like people are coming out, a few people are not liking it also, ke wo unko tab bolna chahiye tha, I've got to know about this also, but I think why not, few people like har koi ek jaisa nahi hota, kuch log thoda sa stress mein hote hain, kuch time baad aake bolte hain, I think they justice should win, and I'm really glad that you know industry ke bare mein jitne bhi dirty cheeze ho rahi hain at least samne aa rahi hain, main ye batana chahta hu industry aise aayegi, इंडस्ट्री ऐसी है नहीं बेसिकली, एंड पीपल शुड गेट टू नो दैट ऑल्सो, सो दैट्स हाउ इट इज, थैंक यू राइट, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। जोड़ीदार जो मैंने बिग बॉस के घर के अंदर
enter Kia, and now look at all of us. I think we've been the most successful. सबसे successful season है. Yeah. हमारे यहाँ से भी हमने तीन जोड़ियों ने शादी कर दी है. Yeah. So. पहली बार ही है. और never before. बहुत खुश हैं इनके लिए क्योंकि हमने शुरू से इनकी शुरुआत से इनकी जो कहानी यहाँ से शुरू हुई थी सफर शुरू हुआ था हम लोग साथ थे उनके साथ थे तो आज उनको साथ में देंगे खुश देंगे नाचते हुए बहुत दिल खुश हो रहा है और वेरी हैप्पी फॉर देम एंड गॉड ब्लेस मेमरीज हमेशा और बॉन्ड हमेशा दिल का होता है संबंध हमेशा दिल का होता है और तो हम लोग ज़्यादा मिलते नहीं हैं आई थिंक वी स्टिल आर वेरी क्लोज मेमरीज डोंट गो बॉन्ड्स डोंट गो यस एंड मैं एक्चुअली अंदर मंदना के साथ ये जोक कर रही थी कि हमारा दोनों ग्रुप्स में से प्रिंस मंदना रोशेल एंड कीत का ग्रुप अभी तक है एक साथ द मोस्ट अनलाइकली कैरेक्टर्स बट या आई थिंक जो फ्रेंड्स आप बिग बॉस से जाके अंदर बनाते हैं जो फ्रेंडशिप्स यू कैन नेवर लेट गो ऑफ इट एंड आई मीन वी आर विटनेस टू दैट राइट जैसे आपने कहा कि आपका जो बिग बॉस था वो जोड़ियों के लिए काफ़ी अच्छा था लेकिन इस साल की जोड़ियाँ इतना अच्छा नहीं कर पा रही है टीआरपी नहीं आ रही है तो क्या कहना चाहिए उस बारे में कुछ देखा नहीं मैंने ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे थे अब वापस आए पिछले हफ्ते तो मुझे ज़्यादा देखा एंड आई थिंक हर साल ऐसे बोलते हैं कि टीआरपी अच्छा नहीं है एंड देन कुछ ना कुछ हो जाएगा घर के अंदर Big Boss House is like that drama aa jayega there'll always be something that will happen thode time I think after one month sab log pagal ho jata hai to fir you'll get your drama I don't think there'll be any TRP problem any favorite jodi ho thank you yeah I think it's very good I support it's amazing thing that women are confident now and are talking about things that they're not happy about I think बातें होगी उतनी बातें सोचेंगी पहले तो बवाल होगा बट आफ्टर दैट थिंग्स विल इवेंचुअली सॉल्व इटसेल्फ सो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम प्राउड अबाउट द वुमेन आई सपोर्ट या आई थिंक इट्स अबाउट टाइम दैट पीपल इन आवर कंट्री स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट थिंग्स लाइक दिस इट्स रियली गुड एंड आई नो द स्टोरीज दैट आर आउट देयर यू नो वी ऑल हर्ड देम बिहाइंड क्लोज डोर्स सो इट्स अमेजिंग दैट वुमेन हैव द कॉन्फिडेंस टू कम आउट एंड स्पीक अबाउट इट एंड I would just say that always remember, even if you might want to doubt, there's a chance that that story is real, and for that slim chance, you have to back that woman up and support her until the truth is found out. Absolutely. Thank you, guys. All right, bye, guys. मैं बड़ी एक्साइटेड क्योंकि ये हम काफ़ी देर से मैं एक सपना बनाकर बैठा था कि ना कि मैं शादी करूँगा जब मैंने इनको प्रपोज किया था सो वो टाइम करते 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 आज फाइनली वो डेट आ गई है कि कल हमारी शादी है थोड़े घंटे कुछ बाकी रह गए हैं सो ये फीलिंग वो है आई थिंक जिसकी शादी होती है वही समझता है तुम बहुत यू नो ऐसा फील करते हो कि तुम्हारी नई लाइफ शुरू होने वाली है नई जर्नी एक ऐसी जिसका तुम्हें भी अंदाज़ा नहीं है वो कैसी होगी बट विद यूविका आई कैन से दैट कि मेरी लाइफ आगे भी स्मूथ और ब्यूटीफुल होगी सो आई लव यू एवरीवन इज लाइक कांट इमेजिन सब डांस कर रहे हैं आई कांट स्टॉप डांसिंग इट्स अमेजिंग आई मीन थैंक यू सो मच एवरीवन हम लोग आज साथ में हैं बिकॉज ऑफ आवर फैंस और आप सब लोगों का प्यार इट्स अनबिलीवेबल आई थिंक वी आर ब्लेस्ड थैंक यू सो मच आप सबका इतना प्यार देने के लिए और आई थिंक मेरे पास वर्ड्स नहीं है आई एम जस्ट स्पीचलेस एंड आई कैन से थैंक यू गॉड एंड थैंक यू ऑल हम लोगों को इतना प्यार देने के लिए इसी वजह से हम लोग यहाँ शादी के मुकाम तक पहुँचे नहीं ओके सो ही प्रपोज मी इन द बिग बॉस सो बिग बॉस में जैसे मुझे प्रिंस ने प्रपोज किया था आई डिडंट नो कि
होने वाली है. आई थॉट टीआरपी के लिए थोड़ा कर रहा है ये, बट आई थिंक जब आप दिल से कुछ बोलते हो, कई बार ऊपर वाला बैठ के आपकी लाइफ लिख रहा होता है, तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ. एंड यू कैन सी दिस इज फॉर रियल. दिस इज द सेम पिक्चर जो वहां पर थी. सो दिस इज मी बिग बॉस के घर में हूँ ये मैं, और ये युविका जो मैंने को एक दिल का परौंठा बनाया था और प्रपोज किया था. सो दिस इज फॉर रियल. ये इन्होंने अपनी मेहंदी में. सो दिस इज अ स्टोरी. दिस इज अ स्टोरी. दिस इज युविका. कुछ नहीं, आई थिंक अपने दिल की सुनो हमेशा, और जो तुम्हारा दिल हमेशा कहेगा वही सच है और वही सही होगा, क्योंकि दिमाग 10 तरफ जाता है पर दिल सिर्फ एक तरफ जाता है. और अगर दिल को कनेक्ट रखोगे अपने दिमाग से तो कभी गलत नहीं जाने देगा. और किसी का दिल ना तोड़ो, फीलिंग्स मत हर्ट करो, और इसके साथ रो खुश रहो बस. थैंक यू. Yeah.